हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप के मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि जानते हो आप लोग, मैंने रॉयल एनफील्ड लिया है कुछ ही दिन पहले, और ये है मेरा रॉयल एनफील्ड का चाबी। और हम जा रहे हैं फ्रेंड्स अपना गाड़ी का सर्विसिंग करवाना है, जो कि एजेंसी वालों के पास उन्होंने हमको मतलब फ़ोन किया था कि आपका सर्विसिंग का शायद डेट हो चुका है, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर 500 किलोमीटर के ऊपर सर्विसिंग नहीं करवाओगे तो वारंटी जो होता है वारंटी के ऊपर इफेक्ट आता है। तो हमने क्यों ना सोचा, थोड़ा बिजी भी थे हम तो नहीं जा पाया, तो आज हम जाएंगे फाइनली तो अपना गाड़ी का सर्विसिंग करवाने। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में। अगर इस वीडियो पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, चलिए डायरेक्ट जाके मिलते हैं हम एजेंसी वालों के पास, और जितना हो सके हम वीडियो में दिखाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि सर्विसिंग किस तरीके से होता है और जो रॉयल एनफील्ड का सर्विसिंग होता है वो कितना कॉस्ट आता है। चलिए देखते हैं वहां जाके कितना होता है। जैसे कि ये है मेरे पास जो रॉयल एनफील्ड है, तो कपड़े से मैंने ढक के रखा है इसको, क्योंकि अगर ढक के नहीं रखेंगे तो क्या होता है, कई बार बिल्ली वगैरह आ जाता है ना, बिल्ली वगैरह अगर रात में आएगा तो ये सारा कुछ जो होता है वो खून से उसका दाग कर देता है। अपने सीट कवर भी नहीं लगवाया, सीट कवर भी लगवाएंगे। चलिए गाड़ी को निकलते बाहर को, तो देखिए फ्रेंड्स कितना किलोमीटर होता है, एक बार मैं दिखा दूँ टोटल किलोमीटर जो होता है। तो टाइम देख सकते हो, जैसे कि देखो फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स 8:45 हुआ और सर्विसिंग का इंडिकेटर भी दिखा रहा है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि देख सकते हो मैं आ गया काफ़ी दूर तक, मतलब रॉयल एनफील्ड के शोरूम तक आ गया लगभग। तो हमको हाईवे क्रॉस करना है उस साइड, ठीक है। तो जैसे कि मेरे बहुत सारा वीडियो में देखे होंगे ये जगह, ठीक है। तो ये देखिए, ये देखिए, जो रॉन्ग साइड से क्यों आ जाता है पता नहीं। चलिए आ गया थोड़ा सा, बाकी है देखते क्या होता है। भीड़ देखिए फ्रेंड्स, आज सोमवार है ना, मतलब सोमवार है, काम का भी काफ़ी भीड़ होता है इस टाइम, सुबह की टाइम ऑफिस टाइम हो चुका है। तो जैसे कि देख सकते हो फ्रेंड्स, काफ़ी भीड़ है। और 10:07 हुआ सिर्फ, हम राइट लेंगे, सिग्नल दे दिया हमने, राइट लेना है हमको, खोला कि नहीं पता नहीं, खोल रहा है अभी, अभी अभी ओपन हो रहा है फ्रेंड्स। चलिए अंदर जाके बात करते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। अभी अभी खोल रहा है, तो मैं सोचा कि मैं लेट हो गया, पर लेट नहीं हूँ, मैं थोड़ा जल्दी आ गया। चलिए अंदर जाके बात करते हैं। अखनो आसने ना कि क्यों, मॉर्निंग दादा, फ्री সার্ভিসের জন্য এসেছিলাম, বুকিং কালকে করেছিলাম। तो जैसे कि देख पा रहा हो हमारा सर्विसिंग का काम मतलब होने वाला है, तो कुछ लिखा जा रहा है यहाँ पर। तो भैया ये क्या लिख रहे हो, जॉब कार्ड बन रहा है ना, ये जॉब कार्ड, तो हमारा यहाँ पर जॉब कार्ड बन रहा है, तो हम फाइल वेरी सर्विसिंग करने आए यहाँ पर। वहाँ से निकल आया तो पहले तो मूड ही खराब हो गया, मतलब तो देख सकते हो काफी सारा स्टॉक भी है, बनाने नहीं दिया, तो कह रहा था कि वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। खैर कोई नहीं, वीडियो हम नहीं बना सकते, 3 घंटे है तो वीडियो नहीं बनाया। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो चार्ज था सर्विसिंग का, वो भी मुझे पता था सर्विसिंग का कितना चार्ज होगा। और फ्रेंड्स किलोमीटर देख सकते हो, सिर्फ हमने एक मतलब एक पॉइंट हुआ है सिर्फ, ठीक है, एजेंसी वालों से मतलब सर्विसिंग करके निकल आया। और फ्रेंड्स जो सर्विसिंग किया है ना उन्होंने, बिल्कुल मतलब मुझे
मतलब पसंद ही नहीं आया बिल्कुल भी। तो उन्होंने सर्विसिंग वॉश कहीं और जगह से करवा के लेकर आया, और जो वॉशिंग किया है ना बिल्कुल बेकार तरीके से वॉशिंग किया, मिट्टी वगैरह जो गंदगी है वहीं के वहीं मतलब है, पॉलिश वगैरह कुछ भी नहीं किया, थोड़ा सा साफ सुथरा भी नहीं किया उन्होंने, ठीक है। और एक तो मतलब काम भी बढ़िया से नहीं किया, और जब आ रहा था मैं, वो जो उनका जो सर्विसिंग वाला बंदा था वो टिप्स मांग रहा था, तो एक तो मुझे काम पसंद बिल्कुल भी नहीं आया, ऊपर से टिप्स मांग रहा है तो मैं नहीं दिया फ्रेंड्स। और जो सर्विसिंग का कॉस्ट हुआ है वो मैं बता दूंगा, 1527 रुपये हुआ है इसका कॉस्ट, इंजन ऑयल वगैरह सब कुछ लगा के, इंजन ऑयल फिल्टर वगैरह वो मैं दिखा दूंगा बाद में, एक सर्विसिंग की किट आता वो भी सब कुछ इंक्लूड है, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो मैं अगर अपना खुद का वर्कशॉप पे मैं सर्विसिंग करता तो ज़्यादा पसंद आता। तो एक बज चुका है, अभी देख सकते हो फ्रेंड्स एक बज चुका है, और जो मतलब कहे बताऊँ मतलब जो इंजन ऑयल में देखना चाहता था वो भी मैं मेरे को नहीं दिखाया, ठीक है। उन्होंने बहुत बताया कि हमारा बड़ा सा एक बैरल होता है उसमें से हमने डाल के दिया, तो खैर कोई नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो मैं दोबारा जाने वाला नहीं हूँ, अपना वर्कशॉप पे खुद कर लूँगा मैं दोबारा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स क्या करते हैं, अपना वर्कशॉप पे सीधा चलते, चल के दिखा देता हूँ मैं क्या क्या लगा है इसमें और कितना खर्चा आया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, जो एयर फिल्टर वगैरह खुला है कि नहीं पता नहीं, छोड़िए खैर, तो मिलते हैं फ्रेंड्स अपना वर्कशॉप पे जाके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए ये लगा हुआ है इसमें, जो कि ये है इसका मतलब सर्विस किट आता है, उन्होंने कहा कि सर्विस किट होता है, इसका एमआरपी देखिए 695 रुपये इसका एमआरपी है। और फ्रेंड्स जो के जो गैस किट होता है ये होता है, ठीक है, अंदर का गैस किट होता है ये, और इसका ऑयल फिल्टर है, ये है इसका ऑयल फिल्टर फ्रेंड्स, जो कि मैं अभी हाथ नहीं लगाने वाला, जो कि देख सकते हो रॉयल एनफील्ड का बिल्कुल जेन्युइन है ये, ठीक है। तो देख लिया फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स मैं क्या करूँगा, जो बिल है ना इसका तो मेरे को ईमेल पे भेजा गया था, वो बिल में शो कर दूंगा, देख सकते हो साइड में आ रहा होगा इस जगह पे बिल, अब देख लेना फोर्स करके, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सर्विसिंग करके मुझे ज़्यादा मतलब खुशी नहीं हुआ, ठीक है, जो मैं दिखा देता हूँ गाड़ी का कितना चमक रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल भी चमक नहीं आया। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो जैसे कि मेरा गाड़ी है ये, तो चमकने की अगर बात करें तो ये जैसे कि पॉलिश वगैरह कुछ भी नहीं किया, इस जगह से देख सकते हो ना मतलब गंदगी जैसा है, समझ लग रहा होगा फ्रेंड्स, ठीक है। और सामने से मैं दिखा दूँ डिस्क कैलिपर पर भी, वो मिट्टी वगैरह लगा हुआ यहाँ पर, ज़्यादा मतलब साफ सुथरा नहीं किया उतना, तो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया उसका फ्री सर्विसिंग जो होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, उन्होंने गाड़ी का वॉशिंग किया, जो कि देख सकते हो बिल्कुल मतलब मिट्टी वगैरह कुछ भी नहीं किया, ठीक है, जो कि मैं सिर्फ बैठा था यहाँ पे आता इतना गंदगी नहीं आएगा यहाँ से, ठीक है, कुछ मुझे खास पसंद नहीं आया। मैं सामने से भी एक बार दिखा दूँ फ्रेंड्स, जो यहाँ पे वॉशिंग होता है, जो कि यहाँ पर गंदा देख सकते हो, मैं साफ़ कर लेता हूँ एक बार, आप देखिए फ्रेंड्स इतना साफ़ गंदगी देख सकते हो फ्रेंड्स, ये देखिए मतलब पता नहीं कैसे साफ़ किया उन लोगों ने, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं वीडियो के यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था वहाँ पे मैं सर्विसिंग का काम करवा के आते हुए, ठीक है। तो अभी बज चुका है 3:30 के करीब, और फ्रेंड्स मैं उस टाइम आया जब घर में 2 बजे के करीब, तो मैंने काफ़ी थकन हो गया था और मुझे याद भी नहीं था, सपोर्ट भी कीजिएगा। तो काफ़ी दिन बाद ये वीडियो आ रहा है, और मैं जितना हो सके वीडियो शूट करने की कोशिश करता हूँ। और फ्रेंड्स मेरा और एक चैनल है, जैसे आप लोगों को पता होगा ज़रूर, और फ्रेंड्स मतलब उस चैनल पे मैं ज़्यादा काम करता हूँ, और मेरा एक अलग से बिजनेस भी है, मेरे को मतलब टाइम ही नहीं मिलता वीडियो बनने की, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, टाटा बाय बाय।